हेलो दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि अकेले पेट दर्द होता है या आपके पीठ या कमर में दर्द होता है तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन यदि एक साथ आपके पेट और कमर या पीठ में ऊपर या नीचे की तरफ दर्द होता है तो इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला कारण होता है एसिड रिफ्लक्स की समस्या होना, जिसमें आपके पेट यानी स्टमक आमाशय का एसिड जो होता है आपकी आहार नली में गले की तरफ आता है, जिससे आपको पेट के ऊपरी हिस्से में और पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द होने की समस्या हो सकती है। ऐसा दर्द आपको कुछ खाने के बाद अधिक महसूस होता है। पेट दर्द और पीठ में ऊपर की तरफ दर्द के अलावा आपको दूसरे लक्षण भी महसूस हो सकते हैं, जैसे जी मिचलाना और कुछ भी खाने का मन ना करना या खाने के लिए मन भारी भारी सा होना। इसके अलावा सिर में दर्द रहना। दोस्तों, यदि आपको पेट के निचले दाहिने हिस्से में और कमर के दाहिने निचले हिस्से में तो ऐसा अपेंडिसाइटिस होने के कारण हो सकता है, जिसमें अपेंडिक्स में सूजन हो जाता है या अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाती है, जिसमें आपको राइट साइड में नीचे की तरफ पेट और कमर में दर्द महसूस होता है। ऐसा आमतौर छोटी उम्र के लड़कों के साथ अधिक होता है। यदि आपके गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में पथरी की समस्या हो तो आपको एकदम से तेज चाकू लगने जैसा दर्द होता है पेट में और आपके पीठ में। इसके अलावा आपको दूसरे लक्षण भी महसूस होते हैं, जैसे कि ठंड लगना, बुखार तेज होना, पीलिया की समस्या होना आदि। यदि आपको किडनी में पथरी की समस्या हो तो भी आपको पेट में और आपके कमर में दर्द होने की समस्या हो सकती है। ऐसा दर्द पसलियों के और कूल्हों के बीच में महसूस किया जाता है। दर्द की लोकेशन इस बात पर निर्भर करती है कि आपको किस साइड की किडनी में पथरी की समस्या है। किडनी में पथरी होने पर आपको कमर और पेट में दर्द के साथ साथ दूसरे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे बार बार पेशाब आना, पेशाब करने में जलन होना या दिक्कत होना। इनके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान पेट और कमर में दर्द होना आम होता है। तो दोस्तों, यदि आपको ऐसे लक्षण महसूस होते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा दर्द कई और कारणों से हो सकता है, जो कि छोटे भी हो सकते हैं जैसे कब्ज की समस्या होना, और बड़े कारण भी हो सकते हैं जैसे कि एटोपिक प्रेगनेंसी की समस्या होना। इलाज की बात करें तो एसिड रिफ्लक्स की समस्या है तो आपको डॉक्टर एसिडिटी को कंट्रोल करने वाली दवाइयां देता है। यदि आपके अपेंडिक्स में कोई समस्या है तो आपकी सर्जरी की जाती है। किडनी में पथरी की समस्या है तो आपको पहले दवाई दी जा सकती है यदि आपकी पथरी का आकार छोटा है। यदि बड़े आकार की पथरी है तो आपको ऑपरेशन करवाने की सलाह भी दी जा सकती है। पित्ताशय की पथरी में आपको पथरी दूर करने के लिए सर्जरी करवाने की सलाह दी जा सकती है। तो दोस्तों, ये थे वो मुख्य कारण जिनसे आपको पेट में और पीठ या कमर में एक साथ दर्द होने की समस्या हो सकती है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिए। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।